नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा, हिंदी परख चैनल में आपका स्वागत है। श्रीमती शब्द लिखते समय अक्सर लोग गलतियां कर जाते हैं, तो यहां आप देख रहे हैं कि श्रीमती यहां इस प्रकार लिखा हुआ है। त में छोटी ई की मात्रा है, यानी ह्रस्व ई की मात्रा है, और इस त में दीर्घ ई की मात्रा है, यानी बड़ी ई की मात्रा है। तो सबसे पहले इस शब्द को लेते हैं। ये जो शब्द श्रीमती जो लिखा हुआ है, यह निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है, यानी यह अशुद्ध शब्द है। हालांकि ये जो श्री और ये जो मति है, ये दोनों को अलग किया जाए, श्री और मति को जो अलग किया जाए, तो ये दोनों शब्द क्या है, ये दोनों शब्द सार्थक हैं और बड़े सुंदर अर्थ रखते हैं। तो श्री का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर श्री का अर्थ होगा लक्ष्मी, शोभा, कांति, कांति यानी चमक, समृद्धि, महिमा आदि, और मति का अर्थ होता है बुद्धि यानी सरस्वती। लेकिन व्यवहार में श्री और मति को जब एक साथ लिखा जाता है, एक शिरो रेखा में लिखा जाता है, तो यह अशुद्ध हो जाता है। इसके बाद दूसरा जो शब्द लेते हैं वह है श्रीमती। तो श्रीमती जो शब्द होता है, यह जो श्रीमती है, वह श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये मान और मति क्या है, यह प्रत्यय है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। तो इसी प्रकार हम शब्द लेते हैं आयुष्मान, शक्तिमान, बुद्धिमान, कांतिमान। तो यहाँ जितने सारे जो मान लगा हुआ है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, आयुष्मान का हो जाएगा आयुष्मती, शक्तिमान का हो जाएगा शक्तिमती, बुद्धिमान का हो जाएगा बुद्धिमती, और कांतिमान का होगा कांतिमती, कांति यानी चमक। तो यहाँ हम देख रहे हैं सब में मति में क्या है, ये है बड़ी ई की मात्रा है, दीर्घ ई की मात्रा है। तो इस प्रकार जो है वह श्रीमती क्या हो जाएगा, यह शुद्ध हो जाएगा, यह शुद्ध शब्द है। रोचक बात यह है कि श्री शब्द स्त्रीलिंग होते हुए भी सम्मान सूचक शब्द के रूप में केवल पुरुषों के नाम के पहले जोड़ा जाता है, जैसे श्री राजेश, श्री दिनेश, श्री महेश, श्री गणेश। इसी प्रकार और भी शब्द हम लेते हैं, जैसे श्रीयुत, श्रीमंत, और यहाँ जो श्रीमान है, इन सारे शब्दों का अर्थ होता है लक्ष्मीमान, लक्ष्मीमान यानी लक्ष्मी का मान रखने वाला, यानी क्या हो जाएगा, अर्थात विष्णु। इसके बाद दूसरा जो शब्द लेते हैं वह है श्रीमती। तो श्रीमती का अर्थ हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ये जो बताया गया श्री, श्री का अर्थ क्या बताया गया, श्री का अर्थ होता है धन की देवी, लक्ष्मी, कांति, चमक, शोभा, समृद्धि, महिमा आदि। और ये जो मती है, ये मती का अर्थ होता है यहाँ पर मत या विचार करने वाली। तो इस प्रकार श्रीमती, ये जो श्रीमती जो शब्द है, इसका अर्थ क्या हुआ, घर की शोभा, कांति, चमक, समृद्धि को विचार पूर्वक सहेज कर रखने वाली स्त्री। श्रीमान का क्या अर्थ बताया गया, लक्ष्मीमान यानी लक्ष्मी का मान रखने वाला पुरुष, यानी नारी का सम्मान करने वाला पुरुष। तो आज बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे चैनल हिंदी परख से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।